भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से पूरे देश को गहरा झटका लगा है। ट्रेजेडी किंग को याद करते हुए आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो रहे हैं। जैसे ही दिलीप साहब को हॉस्पिटल से घर लाया गया तो सेलिब्रिटी उनके घर आखिरी दर्शन के लिए पहुँचने लगे। यह दुखद खबर मिलने के बाद दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी सबसे पहली सेलेब्स थी जो दिलीप साहब के घर पहुंची। बाद में अनुपम खेर, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, अनिल कपूर, निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर और उनकी पत्नी अभिनेत्री विद्या बालन, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी दिलीप कुमार के घर पहुंचे। बॉलीवुड के किंग खान, जो दिलीप कुमार के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं, वह भी उनके घर पहुंचे। निर्माता करण जौहर को भी दिलीप कुमार के घर के बाहर देखा गया। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर भी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अभिनेता जॉनी लीवर को भी दिलीप साहब के घर के बाहर देखा गया। जी, उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती है, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया उनको मानती थी दिलीप साहब को, और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने। बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर, इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और हमारी, मेरे लिए खुशी बात ये है कि मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ टूर किया, उनके साथ वहाँ बैठा हूँ, बंगले पे कई बार आना जाना हुआ। बहुत प्यार करते थे, मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारी जूनियर महमूद साहब, उन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में, ये उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने लगे कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। यहाँ बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे, ओ मैडम सुनो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ओके, हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना। इसी मोहब्बत, इतना प्यार दिया उन्होंने, क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे, कल्याण जी आनंद जी नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन जाता तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे, अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे। हर टॉपिक पे, हर बात पे वो तैयारी करके आते थे, बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते हैं, हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने जो एक्टर कैसे बन गए, तो इंजीनियर से उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डर होगा तो बिल्डर के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। वहीं दिलीप साहब की एक प्रशंसक उनका आखिरी दीदार करने उनके घर पहुंची। इस दौरान जब उनसे बात की गई तो वह अपने सबसे पसंदीदा अभिनेता को याद कर रोने लगी। आपसे कुछ बात हुई थी इसके पहले जब वो स्वस्थ थे? जोर से बोलो उनको, आपकी कुछ बात हुई थी उनसे? बीमार थे नहीं, कितने दिन से बीमार हुआ करते थे। मैं उसको फोटो लाना भूल गई थी, फोटो बताते ना, अभी सब अंदर जाना था। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत प्यारा बहुत औरत ने बहुत किस्मत। INS रिपोर्ट।